बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, इसकी पहचान होती है कि वो जुमला जिसके आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे आ रहा हूँ, उसको हम जानते हैं ये काम पास्ट में हुआ था, पास्ट में हो रहा था, मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका फार्मूला होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं वाज एंड वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये बात कब होगी जब हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे बाहर जब हम इसका सवालिया बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इट्स कंपलसरी। ठीक है, अब वाज और वर्ब कब यूज़ करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके मैंने हल कर दिया। ही शी इट एनी सिंगुलर नाउन एंड आई के साथ, ये याद रखना कि इसके अंदर आई के साथ भी हम यूज़ करेंगे वाज को। ही शी इट एनी सिंगुलर नाउन और आई के साथ हम यूज़ करेंगे वाज को, बाकी रह गया वी दे यू और एनी प्लुरल नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब को। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस नहीं बनाए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैं घूमने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पिकनिक। मैं घूमने नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू पिकनिक। क्या मैं घूमने जा रहा था, वॉज आई गोइंग टू पिकनिक। ठीक है, वो सेंटर नहीं जा रहा था या वो सेंटर नहीं जा रही थी। ही वॉज नॉट गोइंग टू सेंटर, वो सेंटर नहीं जा रहा था या नहीं जा रही थी। अगर नहीं जा रही थी तो आता तो हम क्या लगाते, शी, लड़की की बात हो रही तो हम लगाते शी वॉज नॉट गोइंग टू सेंटर। क्या वो सेंटर जा रही थी, वॉज शी गोइंग टू सेंटर। क्लियर, क्या हम खाना खा रहे थे। इससे पहले अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप लोग बनाए इसके पहले सिंपल, हम खाना खा रहे थे, We were eating a food। हम खाना नहीं खा रहे थे, We were not eating a food। सवाल था क्या हम खाना खा रहे थे, सिंपली हो गया Were we eating a food। Is there any question, any confusion? No, it's clear? Yes, sir. Okay, thank you।